हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है चिमनी के रिव्यू के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आइए देखते हैं हम चिमनी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चिमनी स्टार्ट कर दी है और अब चलिए जानते हैं इसके बटन्स के बारे में। ये है ऑन सेंसर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एलईडी लाइट ऑन ऑफ, ऑटो क्लीन, पावर ऑन एंड ऑफ, एंड ये है ऑफ सेंसर। ये चिमनी की खासियत है कि ये मोशन सेंसर के साथ आई है। इस तरीके से आप अपना हैंड वेव कर सकते हैं एंड ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया है, अगर आप स्लो मोशन में हैंड वेव कर रहे हैं तो ये स्टार्ट नहीं होगी, आपको थोड़ा फास्ट मोशन में हैंड वेव करना है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है लेवल 1 पे। नाउ दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। इसमें एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन, अगर आप नहीं चाहते हो इसे ऑफ कर सकते हो। एंड यू कैन स्विच ऑफ द चिमनी विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ बटन। आप चिमनी को दोनों तरीके से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, या तो हैंड वेव करके या फिर बटन यूज करके। राइट साइड हैंड वेव करने से यह ऑन हो जाएगी एंड लेफ्ट साइड हैंड वेव करने से यह ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे इसकी एलईडी लाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं मेरी चिमनी की हालत, ये अराउंड 20 डेज ऑफ यूसेज पर है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने फ्राइंग की है, मैंने थोड़े से स्नैक्स बनाए थे। और आफ्टर फ्राइंग आप मेरे चिमनी की हालत देख सकते हो, किस तरह से ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस पे जमा हो गए हैं। सो आई रेकमेंड एवरीवन, अगर चाहे चिमनी कोई भी हो, अगर आपने फ्राइंग की है तो इमिडिएटली आफ्टर फ्राइंग आप चिमनी को किसी टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए। इससे काफ़ी हद तक चिमनी क्लीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स जमे हुए थे वो बड़ी आसानी से टिश्यू पेपर से क्लीन हो जाएंगे। अगर आप इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये काफ़ी ग्रीजी हो जाएंगे और इसे निकालने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देख सकते सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स टिश्यू पेपर से बड़ी आसानी से साफ हो चुके हैं।
तो ऐसा नहीं है कि चिमनी लगाने के बाद आपको कहीं तेल के छींटे नहीं मिलेंगे या ऑयल ड्रॉपलेट्स जमा नहीं होंगे आपके टाइल्स पे, आपकी वॉल पे, अगर विंडो हो तो विंडो पे, हर जगह आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। पर जो ऑयल धुएं के फॉर्म में उड़कर आपके वॉल पर जमा होता है वो नहीं होगा, वो उसे चिमनी सक कर लेगी और बैफल फिल्टर जो चिमनी में फिल्टर लगा हुआ है उस पर वो जमा हो जाएगा। अभी एक छोटा सा डेमो देखेंगे, देखते हैं चिमनी किस तरीके से सक करती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये है चिमनी का सक्शन पावर जो कि बिल्कुल लेवल 1 है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये चिमनी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसका सक्शन पावर भी बहुत ही अच्छा है। तो ये है मेरी चिमनी की हालत ठीक एक महीने बाद। मैंने चिमनी दिसंबर लास्ट वीक में इंस्टॉल की थी, दिसंबर 2020, और अभी है 10th फरवरी 2021। सो ये आप देख सकते हैं लगभग 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं इस चिमनी को मैंने यूज़ करते हुए। इसमें मैंने फ्राइंग की है बहुत, अराउंड 2 to 3 times मैंने फ्राइंग की है अभी तक, और बाकी डेली 3 times मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते समय। और आप देख सकते हैं इसकी हालत, जो बैफल फिल्टर के ग्रूस है उसमें भी ग्रीस जमा हुआ है, क्लियरली आपको विजिबल है। और ये मैंने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से ऑयल जमा हुआ है। ये ठीक 1 महीने 10 दिन के यूसेज के बाद है, तो इतना ऑयल इन्हें इसमें जमा हुआ है। और इस ऑयल कप को निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदरूनी हिस्से में भी कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है। तो पहले हम इसे क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर की हेल्प से, और फिर हम अपना बैफल फिल्टर भी निकाल लेंगे और देखते हैं ठीक 1 महीने के यूसेज के बाद मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस फिल्टर को क्लीन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं फिल्टर निकालने के बाद चिमनी के अंदर का हिस्सा, इनसाइड व्यू। अभी तक तो ये नीट एंड क्लीन है, अंदर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑयल क्रीस जमा हुआ मुझे नहीं लग रहा है। सो चिमनी मैं नॉर्मली डेली क्लीन कर रही हूँ सिर्फ गीले कपड़े से, जो बाहरी हिस्सा है मैं उसे जब भी मैं अपना किचन काउंटरटॉप क्लीन करती हूँ मैं चिमनी को भी क्लीन कर रही हूँ। सो बाहरी हिस्से में तो कोई ग्रीस फॉर्मेशन मुझे लग नहीं रहा है। ये है बैफल फिल्टर जो मैंने खोल लिया है और आप देख सकते हैं इसके ग्रूस और ग्रीस, ऑयल ग्रीस जो भी जमा हुआ है आपको क्लियरली दिख रहा है। ग्रूस के अंदर ग्रीस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ऑयली और ब्राउनिश कलर में फॉर्म हो जमा हो गया है। देखते हैं इसे किस तरीके से साफ किया जा सकता है। तो मेरे लिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मैं सोच रही हूँ इसे
सिंपल से विम लिक्विड से साफ कर कर देखा जाए तो ये रहा विम लिक्विड। और मुझे नहीं लगता ये स्कॉच ब्राइट के ग्रीन वाले स्क्रबर से जाएगा, तो मैं इसे स्टील स्क्रबर से क्लीन करना चाहूँगी। और ये देख सकते हैं आप साफ करने के बाद, सो ये बड़ी आसानी से विथ स्टील स्क्रबर एंड विम लिक्विड से मैंने इसे बड़ी आसानी से साफ कर लिया है। सो कप को तो साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वे बड़ी आसानी से साफ हो गया है। हाँ, बैफल फिल्टर को मुझे थोड़ा सा लगड़ लगड़ कर साफ करना पड़ा है और इसके ग्रूव्स मैंने उसी स्टील स्क्रबर से क्लीन किए हैं। आप चाहे तो किसी स्टील ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा रगड़ेंगे और ये साफ़ हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। हमने इस वीडियो में जान लिया है कि चिमनी को यूज़ कैसे करना है, यूज़ करते समय ये कितनी ख़राब होती है और इसे कितनी जल्दी से क्लीन किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग मेथड्स ऑफ चिमनी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसी तरह के नए नए वीडियोस, रिव्यूज, डेमोस और कुछ हाउस टिप्स जानने के लिए थैंक यू। चिमनी अनबॉक्सिंग का वीडियो जिसमें सारे चिमनी के ऊपर डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।